दोस्तों आज एक ऐसे वेजिटेबल के हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात करेंगे जिस वेजिटेबल को मोस्टली हम लोग हेल्दी वेजिटेबल कंसिडर ही नहीं करते हैं, बट एज पर मॉडर्न साइंस एंड मॉडर्न रिसर्च ये वेजिटेबल कैंसर प्रिवेंशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभर्णा और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लिव विद शुभर्णा। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ रेडिश और मूली की। एज पर रिसेंट स्टडीज मूली में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो आपके बॉडी में कैंसर के ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है। नॉट ओनली दैट, बेसिकली इट हैज मेनी अदर हेल्थ बेनिफिट एंड आई बिलीव मूली के सारे हेल्थ बेनिफिट के बारे में जानने के बाद आप लोग मोर फ्रिक्वेंटली मूली को अपने डाइट में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दोगे। तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए और मूली के सारे हेल्थ बेनिफिट के बारे में जानिए। मूली की एक जो बहुत कॉमन हेल्थ बेनिफिट जिसके बारे में शायद आप लोगों को कम या ज्यादा पता होगा, दैट इज मूली इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर किसी के स्टमक में गैस जमे हुए है तो मूली आपके गैस को एलिमिनेट होने में हेल्प करता है। मोर ओवर 100 ग्राम ऑफ मूली में आपको मिलते 5 ग्राम ऑफ फाइबर जो कॉन्स्टिपेशन के इशू को सॉल्व कर सकता है। बट रेडिश और मूली फॉर कैंसर प्रिवेंशन इज समथिंग वेरी न्यू, आप लोग शायद ये पहले कभी नहीं सुने होंगे। मूली में होती है ग्लूकोसिनोलेट बोल के एक स्पेशल टाइप के सल्फर कंपाउंड। सो आप अगर मूली खाते हो तो ये कंपाउंड आपके बॉडी के अंदर जाके आइसोथायोसायनेट नाम के और एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये आइसोथायोसायनेट आपके बॉडी में कैंसर सेल फॉर्म नहीं होने देता है। आपके बॉडी में अगर ऑलरेडी कैंसर सेल फॉर्म हो चुका है तो आइसोथायोसायनेट उस सेल के स्प्रेड को कंट्रोल कर सकता है एंड मोर ओवर बॉडी के अंदर कैंसर थ्रेट पैदा करने वाले जितने भी केमिकल फॉर्मेशन होती है उस सारे केमिकल को आपके बॉडी से एलिमिनेट कर सकता है ये आइसोथायोसायनेट। नॉट ओनली दीज, रेडिश एंड मूली में हमें ऐसे एंटी ऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर के ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है एंड दैट वे इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कैंसर इन एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। फॉर अ वोमेन ये वेजिटेबल ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को भी कम करता है। नॉट ओनली मूली बट मूली के जो पत्ते होते हैं, मूली के जो साग होते हैं, दैट इज ऑल्सो रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट। इसमें हमें एंटी ऑक्सीडेंट लाइक फ्लेवोनॉइड, फेनोलिक कंपाउंड, रुइटिन एंड एंथीसायनेट मिलते हैं और ये हमारी बॉडी में एंटी कैंसरस इफेक्ट देता है। एज पर रिसेंट स्टडीज मूली के साग सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर एंड लिवर कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है। अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर से फाइट कर रहा है तो उनके लिए मूली के साग की जूस बहुत बेनिफिशियल होता है। मार्केट में आप लोगों को डिफरेंट टाइप के मूली मिलेंगे, रेड मूली, व्हाइट मूली एंड पर्पल मूली, बट कैंसर प्रिवेंशन के लिए रेड मूली और उनके जो साग होती है दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल। अब देख लेते हैं रेडिश कैंसर प्रिवेंशन के साथ साथ और क्या क्या हेल्थ बेनिफिट देता है। बेसिकली ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करके आपके बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, आपके बॉडी के अंदर जमे हुए सारे टॉक्सिन्स को स्टूल के साथ आपके बॉडी से इजिली एलिमिनेट कर देता है अगर आप रेगुलर बेसिस पे मूली अपने डाइट में लेते रहेंगे तो। यह आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है एंड मोर ओवर आपके लीवर रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जैसे कि फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ लीवर या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, इनके ट्रीटमेंट में मूली बहुत हेल्पफुल है। रेडिश में हमें मिलते हैं एंथोसायनिन जो आपके हार्ट के फंक्शनिंग को बेटर करता है। इसके फ्लेवोनॉइड, फेनोलिक कंपाउंड एंड रुइटिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट हार्ट मसल्स के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। रेडिश में हमें मिलते हैं बहुत सारे नाइट्रेट जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ वैसोडायलेटर, मतलब ये आपके ब्लड वेसल्स के अंदर के वॉल को एक्सपैंड करके ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। मूली के जूस किडनी से स्टोन रिमूव करने में भी हेल्पफुल होता है। जिन लोगों को रेगुलर बेसिस पे किडनी स्टोन के इश्यूज रहते हैं वो अगर अपने डाइट में मूली के जूस इंक्लूड करेंगे तो उनको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। दोस्तों आप लोग मूली को सैलेड भी ले सकते हो, जूस बनाकर पी सकते हो या फिर सब्जी बनाकर खा सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, कुकिंग करने के टाइम पे मूली से विटामिन से निकल जाती है तो आप इसको कंपेंसेट करने के लिए मूली को कुक करने के टाइम पे उसमें लेमन जूस मिला सकते हो, फिर आपको विटामिन सी की कमी नहीं रहेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हो, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग बहुत अच्छे से रहना, हम लोग बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी हेल्दी लिविंग एवरीवन।